अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10th क्लास के दरक्षा की किताब से चैप्टर नंबर 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है रेया। देखिए, रेया का मतलब होता है ढोंग, दिखावा। इंसान जैसा होता है वो अपने आप को लोगों के सामने नहीं दिखाता है, ठीक है। जो इंसान दिखाते हैं और इंसान की असलियत के बारे में, उनकी क्या रियलिटी है, उनके बारे में जो है ना इस चैप्टर में बताया गया है। और ये जो चैप्टर है, आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा कि ये मज़मून है, यानी कि निबंध है, ऐसे हैं। और इस चैप्टर के लिखने वाले, यानी कि रेया नाम के इस मज़मून के मुसन्निफ़ राइटर कौन है, तो सर सैयद अहमद खां। तो सबसे पहले हम लोग सर सैयद अहमद खां के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग रेया नाम के इस चैप्टर को समझेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या मतलब बताया गया है, इंसान की असलियत, ठीक है, उनकी रियलिटी। इंसान जैसा होता है वो अपने आप को नहीं दिखाया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फटाफट सर सैयद अहमद खां के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है, आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए, सर सैयद अहमद खां के बारे में जानना एक तरह से ज़रूरी है, क्योंकि सर सैयद अहमद खां ही वो एकलौते इंसान हैं जिन्होंने उर्दू अदब को आगे बढ़ाने के लिए तहरीक चलाई थी। आज सर सैयद अहमद खां की वजह से ही आज हम लोग उर्दू बोल पाते हैं और लिख पाते हैं और सीख पाते हैं, ठीक है। सर सैयद अहमद खां ही जो है सभी लोगों को मोटिवेट किए थे उर्दू सिखाने और पढ़ाने के लिए, और एक इनका बहुत बड़ा रोल है उर्दू को पढ़ाने और लिखाने के, ठीक है। तो इनकी पैदाइश जो है वो 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई है, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन तो पूछ देता है, सर सैयद अहमद खां से एक क्वेश्चन पक्का है कि पूछ देगा कि सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई है, ऑप्शन में दे देगा 1817, नहीं तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कहाँ हुई है, ऑप्शन में दे देगा दिल्ली, तो आप लोग लगा कर आ जाइएगा, ठीक है। इनके वालिद यानी कि पिताजी का नाम है मीर तकी। क्या नाम है? मीर तकी। अब कहीं कहीं मीर मुतकी भी लिखा रहता है, ऐसे आप लोगों को अच्छा से लिखकर बता दे रही हूँ, देखिए ऐसे मीर मुतकी, ठीक है। तो ये मतलब ना कंफ्यूजन में स्टूडेंट रहते हैं कि पता नहीं सर सैयद अहमद खां के वालिद यानी कि उनके पिताजी का नाम मीर मुतकी है कि मीर तकी है। तो देखिए, आप लोग के बुक में ना मीर तकी दिया है, तो आप लोग मीर तकी ही मानिएगा, हालांकि मीर मुतकी भी बोला जा सकता है, लेकिन आप लोग मीर तकी रखिएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, इस पर विश्वास नहीं कीजिएगा, ये इनका उनके पिताजी का राइट नेम है, ठीक है। इनके वालिदा इनकी माँ का नाम है अज़ीज़ुन्निसा बेगम, ठीक है। आगे बढ़िए, 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में उन्होंने एक इंजमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। उन्होंने 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में ही उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से उन्होंने खोला। तहजीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया, जिसमें समाजी, तहजीबी और अदबी मजामीन शाये हुए थे। ये जो रिसाला था, मैगजीन आप बोल सकते हैं, इसको उन्होंने खोला, जिसमें समाजी भी, तहजीबी और अदबी मजामीन यानी कि ऐसे निबंध थे, ठीक है। 1878 ईस्वी को अलीगढ़ में एक स्कूल जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोले। कौन? सर सैयद अहमद खां। 1878 ईस्वी को इन्होंने अलीगढ़ में स्कूल जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन्होंने खोला, लेकिन यही जो स्कूल है आगे चलकर इसका नाम चेंज हो गया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शक्ल में उभर कर सामने आया, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से ये मशहूर हुआ। और इसी स्कूल की मैं बात कर रही हूँ, यही स्कूल है जिसके ज़रिए सर सैयद अहमद खां जो है ना पूरी इस मतलब उर्दू अदब को उन्होंने आगे बढ़ाया, सभी लोगों को मोटिवेट किए, और इसी स्कूल के ज़रिए उन्होंने क्या किया, उर्दू की तालीम देना स्टार्ट किए लोगों को, और आज इनकी वजह से हम लोग उर्दू बोल पाते हैं, लिख पाते हैं और जो कुछ भी समझ पाते हैं, ठीक है। 1878 ईस्वी में ही उनको सर का खिताब मिला, 1878 में सर का खिताब मिला। देखिए, इनका नाम था सैयद अहमद खां, लेकिन जब 1878 ईस्वी में इनको सर का खिताब मिला ना, तो ये सर सैयद अहमद खां के नाम से मशहूर हो गए और ये जो सर है उनके नाम का हिस्सा बन गया, सर सैयद अहमद खां, याद रखिएगा, ये वाला सर, ये खिताब है। इनका नाम सैयद अहमद खां था, लेकिन शुरू में सर सैयद सर लग गया, तो सर सैयद अहमद खां हो गया। इनकी तसनीफ़ की बात कर लेते हैं, यानी कि क्रिएशन, इन्होंने क्या क्या लिखा है, उनके मतलब ये क्या क्या क्रिएट किए, कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, क्रिएशन है, तो एक है असारिल सनादीद और एक है असबाब बगावत हिंद। ये दोनों जो है सर सैयद अहमद खां की लिखी हुई मतलब आप बोल सकते हैं किताबें हैं, तसनीफ क्रिएशन है इनका, ठीक है। और इनका इंतकाल हुआ था 1898 ईस्वी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में,
जो है ना 1898 से भी को ये इंतकाल किए, लेकिन इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही दफन कर दिया गया, ठीक है, दफना दिया गया इनको। तो ये हो गया सर सैयद अहमद खां के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए ज़रा इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से और बारीकी से समझते हैं। तो पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीन शॉट। अब चलिए ज़रा इस चैप्टर को समझ लेते हैं। देखिए रेया का मतलब तो आप लोग जान ही चुके हैं कि रेया का मतलब होता है ढोंग और दिखावा। इंसान जैसा रियल लाइफ में, रियल ज़िंदगी में होता है, वैसा अपने आप को लोगों के सामने नहीं दिखाता है, ठीक है। तो इस रेया नाम के मज़मून में ना सर सैयद अहमद खां अलग अलग टाइप के इंसान के बारे में बताए हैं। वो बताए हैं कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट माइंड के होते हैं, लेकिन वो अपने आप को लोगों के सामने जाहिर नहीं करते, अपने आप को जतलाते नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ, ब्रिलियंट माइंड हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, वो अपने आप को दिखाते नहीं हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपने रियल लाइफ में, रियल ज़िंदगी में सबसे बड़ा बेवकूफ़, ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा लालची टाइप के होते हैं, लेकिन वही सबसे ज़्यादा ईमानदारी की बातें करते हैं लोगों के सामने। ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कि कितना सती सावित्री है, राजा हरिश्चंद्र है, कभी कोई गलती ही नहीं किया है, ठीक है, लोगों के सामने ऐसे बातें करें कि लगेगा कि कितना ये सच्चा और ईमानदार इंसान है, ठीक है, लेकिन वही इंसान सबसे घटिया और सबसे ज़्यादा बेईमान होता है। लेकिन लोगों के सामने अपने आप को ईमानदार दिखाता है, सबसे ज़्यादा ईमानदारी की बातें करता है, ठीक है। तो ये दो किस्म के इंसान हो गए। लेकिन इस चैप्टर में सर सैयद अहमद खां ये भी बताए हैं कि इन दोनों लोगों के अलावा एक और किस्म का इंसान होता है जो इन दोनों लोगों से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, मतलब सबसे डेंजर तो वही इंसान होता है। और पता है वो इंसान कौन है? उस इंसान की अगर आप लोग गलती बताएंगे ना कि तुम ये काम गलत किए हो, तुम्हारे में ये गलती है, तो वो इंसान मानेगा ही नहीं। और जो इस तरह के इंसान होते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा डेंजर होते हैं, जो अपनी गलती को नहीं मानते हैं। अगर आप लोग सिद्ध भी कर देंगे ना, साबित भी कर देंगे उस गलती को कि तुम ये गलती की हो, फिर भी वो नहीं मानेंगे। और यही इंसान ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब वो अपनी गलती को स्वीकारेंगे ही नहीं, अपनी गलती को मानेंगे ही नहीं, तो अपनी गलती को सुधारेंगे कैसे, ठीक है। और वो अपनी ज़िंदगी में हज़ारों गलतियाँ करेंगे, और यही वजह होगा कि वो बार बार फेल होंगे। जो भी उनका सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, जो भी सफलता पाना चाहते हैं, उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपनी गलती को नहीं सुधार रहे हैं, अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं। तो इस तरह के इंसान जो अपनी गलती को नहीं स्वीकार करते हैं, वो ज़िंदगी में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। और हज़रत दाऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अल्लाह ताला से कहा था कि ए अल्लाह, मेरे अंदर इतनी ताकत दे कि मैं अपने दिल पर इख्तियार रख सकूँ, मेरे अंदर कौन सी गलती है, मेरे अंदर जो भी बुराइयाँ हैं उसको कोई नहीं जानता, सिर्फ तू ही जानता है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानता हूँ कि मेरे अंदर कौन सी, मुझसे कौन सी गलती हुई है और मेरे अंदर क्या बुराइयाँ हैं, सिर्फ तू ही जानता है, और इसीलिए मेरे अंदर जो भी ऐब है, मेरे अंदर जो भी गलती है, मेरे अंदर जो भी बुराई है, उससे मुझे पाक कर दे, मेरे ऐबों से पाक कर दे, यानी कि मेरी गलती को मिटा दे और मेरी बुराइयों से पाक कर दे, जो भी मैं बुराई किया हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो ठीक है, ये हज़रत दाऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अल्लाह ताला से कहा था, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को कैसे पहचानेंगे, हम अपने अंदर की बुराइयों को कैसे कम करेंगे, और हमें कैसे मालूम चलेगा कि कोई काम सही है कि गलत है, यानी कि वो अच्छा है कि बुरा है, कैसे मालूम चलेगा? तो इसके लिए हमारे नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी का जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक नमूना है। उनकी बताई हुई बातों पर और उनकी उनकी ज़िंदगी को देखकर और उनकी हर एक एक बताई हुई बातों पर अमल करके हम अपने ज़िंदगी, हम अपने अंदर की बुराइयों को कम कर सकते हैं और सही गलत की पहचान कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो एक नबी थे और अल्लाह ताला का पैगाम उनके पास आता था। जो भी अल्लाह ताला पैगाम भेजा करते थे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो वो हमारे नबी जो है सभी लोगों को बताया करते थे, और जो भी बात मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बताते थे उसको कुरान शरीफ और हदीस में लिखा गया है। तो हम कुरान शरीफ को और हदीस को पढ़ के और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फॉलो करके, उन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी की बुराइयों को कम कर सकते हैं और सही गलत में पहचान कर सकते हैं कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है यानी कि गलत है। और आप लोगों के बुक में भी तो लिखा गया है इन्ना बिशरो मिसलकुम यूही इला इन्नमा इलाहुकुम इला वाहिद। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम हैं वो फरमाते हैं कि बिलाशक मैं भी एक इंसान हूँ और एक इंसान दूसरे इंसान की नकल क्यों नहीं कर सकता। तो इससे हम लोग को यही मालूम चलता है कि जो हमारे नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो भी एक तरह के इंसान थे और हम लोग भी इंसान हैं, हमारी तरह वो भी इंसान थे और वो भी अपने रोज़मर्रा की जो भी एक्टिविटी किया करते थे उनकी हर रोज़मर्रा की हर एक एक्टिविटी को हर एक गतिविधि को हम अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं और हम अपने अंदर की बुराइयों को कम कर सकते हैं। इससे हम लोग को यही सीख मिलती है, हमारे नबी जो है वो भी इंसान ही थे तो अपनी ज़िंदगी में जो भी वो काम किया करते थे हम लोग भी उनकी हर ज़िंदगी की रोज़मर्रा की एक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी में अपना लें। इससे हम अपने अंदर की बुराइयों को कम कर सकते हैं और सही गलत में फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़िए, हदीस पढ़िए, ताकि मतलब हमारे नबी की बताई गई बातों को आप लोगों को मालूम चले, है ना, ठीक है। अब बात आती है कि हम अपने अंदर की कमी को कैसे पहचानेंगे कि मेरे अंदर कौन सी कमी है। तो देखिए, अगर आप लोगों को जानना है ना कि मेरे अंदर कौन सी कमी है तो आप अपने दुश्मन की बातों पर ध्यान दीजिए कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि आपके अंदर कौन सी कमी है, क्योंकि क्योंकि आपके अंदर की जो कमियां हैं, ठीक है, जो गलतियां हैं वो आपके अपने नहीं बता सकते हैं, आपके घर वाले आपके दोस्त नहीं बता सकते हैं। आपके दोस्त तो हमेशा तारीफ़ ही करेंगे कि वाह बहुत अच्छा लिख रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो अपने लोग हैं, आपके दोस्त, आपके मम्मी पापा, तो आपकी तो तारीफ़ करेंगे, आपकी कमियां नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, आपकी कमियों को चुन चुन कर आपके दुश्मन रखे होते हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी कमी है। तो आप अपने दुश्मन की हर एक एक बातों पर ध्यान दीजिए और उसे मालूम कीजिए कि आपके अंदर कौन सी कमी है, और ये भी पहचानिए कि क्या सच में मेरे अंदर ये कमी है, और उस कमी को ठीक कर लीजिए और एक ना एक दिन आप लोग को सक्सेस यानी कि सफलता मिलेगी ज़रूर, जब आप अपनी कमी को सुधारने लगेंगे कि मेरे अंदर कौन सी कमी है। लेकिन आजकल के दुश्मन ना डिजिटल हो गए हैं। भाई, इंडिया डिजिटल हो रहा है तो दुश्मन क्यों नहीं डिजिटल होंगे। आजकल के जो दुश्मन है ना, अब वो अपने दुश्मन की कमियों को चुन चुन कर रख रहे हैं लेकिन बता किसी से भी नहीं रहे हैं, क्योंकि बताएंगे तो उसका जो दुश्मन है उन कमियों को ठीक कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आजकल के दुश्मन अपने दुश्मन के भी कमियों को नहीं बता रहे हैं किसी से भी, ताकि वो सुधार लेगा और आगे बढ़ जाएगा। सोचिए कितना डिजिटल और एक्सपर्ट माइंडेड दुश्मन हो गए आजकल के, ठीक है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ, इस बुक में, इस चैप्टर में नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको अपने अंदर की कमी मालूम होती है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो अपनी कमी को ठीक नहीं करते, नहीं सुधारते। अरे, आपके अंदर जो भी कमी है उसको सुधारिए, मालूम चल गया है तो सुधारिए उसको, ताकि आप आगे बढ़ सकें, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पा सकें। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कहा था कि जो इंसान मेरी तारीफ़ करता है ना, जी करता है मैं उस पर मिट्टी फेंक दूँ। और अभी का ज़माना देखिए, कोई इंसान किसी की तारीफ़ करेगा ना तो इंसान अंदर ही अंदर से खुश होगा, ओ माय गॉड मेरी तारीफ़ हो रही है, भले ही चेहरे के एक्सप्रेशन से नहीं दिखाएगा लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर खुशी के बुलबुले फूट रहे होंगे कि मेरी तारीफ़ हो रही है, ओ माय गॉड, ठीक है। और अगर उसी मोमेंट पर वही इंसान उस इंसान की बुराई कर देना, तब वो इंसान जो है मिट्टी उठाकर उसके मुँह पर फेंक देगा। तो सोचिए कितना डिफरेंस है, पहले के ज़माने में तारीफ़ करने पर मुंह पर मिट्टी फेंक दिया जाता था, अभी के ज़माने में बुराई करने पर मुंह पर मिट्टी फेंक दिया जा रहा है, सोचिए, ठीक है। और अगर आपकी कोई इंसान तारीफ़ करता है ना, तो आप खुद सोचिए ना कि मैं उस तारीफ़ के काबिल हूँ कि नहीं हूँ। कोई इंसान आपकी तारीफ़ करता है तो आप खुद सोचिए कि मैं उस तारीफ़ के काबिल हूँ कि नहीं हूँ। मान लीजिए आप लोग गाना गा रहे हैं तो कोई बोल दिया कि वाह आप तो लता मंगेशकर की तरह गाना गा रहे हैं, ओ माय गॉड, पहले आप अपने अंदर जांचिए कि मैं लता मंगेशकर की तरह गाना गा रही हूँ कि नहीं, ठीक है। या फिर आप मतलब शेर पढ़ रहे हैं तो कोई बोल दिया आप तो मिर्ज़ा गालिब की तरह शेर पढ़ रहे हैं, तो आप अपने अंदर झांक कर तो देखिए कि मैं मिर्ज़ा गालिब की तरह शेर पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो जो भी आपकी तारीफ़ करता है तो सबसे पहले आप देखिए अपने अंदर कि मैं उस काबिल तारीफ़ के काबिल हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ लास्ट में बात बताई गई है इस चैप्टर में कि जो अक्लमंद और एक्सपर्ट ब्रिलियंट माइंड के स्टूडेंट होते हैं, या फिर जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं, ब्रिलियंट और एक्सपर्ट माइंडेड होते हैं, जिनका दिमाग तेज़ चलता है, उनके अंदर डर भी होता है।
अब वो डर किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, या तो इस चीज़ के लिए डर हो सकता है कि मेरे अंदर तो कोई कमी तो नहीं है, या फिर मैं ये काम किया, या फिर ये मैं काम की तो मैं गलत तो नहीं की, मतलब किसी ना किसी तरह उनके अंदर ये डर होता है जो तेज तरार माइंड के होते हैं। लेकिन जो नासमझ गधे और बेवकूफ़ टाइप के इंसान होते हैं ना, उनके अंदर किसी चीज़ का डर देखने को भी नहीं मिलता, वो निडर होकर कोई भी काम करने लगते हैं, उनके अंदर किसी चीज़ का डर ही नहीं पाया जाता है। जो मतलब कम दिमाग होता है जिनके पास, उनके अंदर डर नहीं देखने को मिलता है, वो निडर होकर कोई भी काम करते हैं। और कुछ इंसान में घमंड भी पाया जाता है, क्या बताएं, मतलब इस तरह अलग अलग टाइप के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये हो गई पूरे चैप्टर को, मैं आप लोगों को बता दी जो जो आप लोगों के बुक में दिया गया था, हर एक एक पॉइंट आप लोगों को बता दी। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जितना भी मैं आप लोगों को समझाई, समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद से क्या आप इस वीडियो को अपने पास ही रखेंगे, बस आप मेरा वीडियो बंद कर देंगे, ये तो गलत हो जाएगा। आप दूसरों के पास भी शेयर कीजिए, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।